सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 3 चरणों में चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने के संबंध में सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रगति के बारे में जानकारी लेकर विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रगतिरत विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को बाड़मेर जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की अध्यक्षता में बाड़मेर जिला मुख्यालय बैठक का आयोजन किया गया। सांसद ने अधिकारियों को चयनित गांव में प्रगतिरत विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से चयनित गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की कार्य योजना बनाने के साथ उसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं विद्युत से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए। सांसद ने सांसद आदर्श ग्राम बाईतू भोपची लीलसर सराणा में प्रगतिरत एवं प्रस्तावित विकास कार्यों के संबंध में समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शिवप्रसाद मदान नकाते ने चयनित गाँवों के युवाओं को गंभीरता से कौशल विकास संबंधित प्रशिक्षण देने के साथ स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ML नेहरा ने सांसद आदर्श ग्राम संबंधित सूचनाएं नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित गांवों में प्रगतिरत विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में विकास अधिकारी सांवल राम चौधरी, जितेंद्र सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक सती चौधरी, डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता मांगीलाल जाट, हेमंत चौधरी, JR जीनगर समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।